अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है एवं उसकी क्या प्रकृति है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व दो महाशक्तियों के आपसी टकराव का शिकार हो गया था। ये दो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो विचारधाराएं थी, पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच में शक्ति संघर्ष जारी था। तो जहां द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हुआ था, दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात यूएनओ का निर्माण हुआ और कुछ ऐसी परिस्थितियां और बनी कि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र एक एक कर स्वतंत्र होने लगे। जब ये राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे तो इनके लिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि या तो वो सोवियत गुट के साथ शामिल हो जाए और या फिर वो अमरीकी गुट के साथ शामिल हो जाए। तो देखने में आया कि ऐसे बहुत से राष्ट्र थे जो अमरीकी या सोवियत गुट के साथ शामिल होने लगे। और इधर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। सबसे पहले उनका ये ध्यान गया कि भारत, जिसने इतने लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की है, अब वो किसी भी महाशक्ति के दबाव या प्रेशर में कार्य नहीं करेगा। तो उन्होंने एक गुट निरपेक्षता का नारा हमें दिया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। और नेहरू के साथ जो विशेष योगदान रहा वो था एक तो मार्शल टीटो और दूसरे थे मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। तो इन तीनों महानायकों के प्रयासों से विश्व में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। आज इस चैप्टर में हम गुट निरपेक्षता का अर्थ और उसकी प्रकृति को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने अभी आपको गुट निरपेक्षता के बारे में बताया कि इसका उदय किन कारणों से हुआ, तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था। यह एक सुविचारित अवधारणा थी और इसका उद्देश्य क्या था, नवोदित राष्ट्र यानी कि वे राष्ट्र जो अभी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, उन राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना और युद्ध की संभावनाओं को रोकना। गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि विश्व को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त रखना, नए स्वतंत्र हो रहे राष्ट्रों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखना। क्योंकि यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन न होता तो एशिया और अफ्रीका के जो देश स्वतंत्र हो रहे थे उनके सामने एक व्यवस्था रहती कि वो या तो अमरीकी गुट में शामिल हो जाते या फिर साम्यवादी गुट में शामिल हो जाते, तो उनकी स्वतंत्रता का अर्थ निरर्थक हो जाता, उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति ना होती और न चाहते हुए भी वे उन महाशक्तियों की अधीनता को स्वीकार कर लेते, तो महा अपने जवाहरलाल नेहरू एवं नासिर और मार्शल टीटो के विशेष प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अभिप्राय क्या है, इसको कुछ और विस्तृत अर्थों में जानने का प्रयास करेंगे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था वास्तव में उसका अर्थ क्या है। तो जो पहला और महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो है शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एक तरफ यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और उसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत द्वितीय महायुद्ध
समाप्त होते ही विश्व दो गुटों में बंट गया था। ये गुट थे साम्यवादी गुट, जिसका प्रतिनिधित्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था, और दूसरा पूंजीवादी गुट, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। और गुट निरपेक्षता का अर्थ है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, गुटों से निरपेक्ष, गुटों से तटस्थ रहने की नीति। तो हम कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, शक्ति गुटों से पृथक रहने की नीति। अर्थात विश्व की जो गुटबंदी थी, उस गुटबंदी से न जुड़ा जाए। इसका उद्देश्य विश्व के देशों को परस्पर विरोधी शिविरों में विभक्त करने के प्रयासों या महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्रों के विस्तार को रोकना था। नेहरू ने बेलग्राद में 1961 में जब गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तो गुट निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हम किसी शिविर में नहीं हैं और ना ही हम किसी सैनिक संधि में हैं। जिस शिविर में हम शामिल होना पसंद करेंगे, वह शांति का शिविर है, जिसमें उतने ही देश शामिल होने चाहिए जितने संभव है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कोई शिविर की राजनीति नहीं है, बल्कि यह शांति के शिविर में शामिल होने की नीति है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है स्वतंत्र विदेश नीति। यदि स्वतंत्रता के पश्चात एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र किसी महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि वो देश उस महाशक्ति के प्रेशर में कार्य करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, और महाशक्ति के द्वारा जो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनकी पालना उन देशों के द्वारा की जाएगी। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ने से अभिप्राय है स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण। गुट निरपेक्षता विदेशी मामलों में एक स्वतंत्र देश की स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की इच्छा एवं योग्यता है। यह स्वयं का निर्णय लेने की इच्छा एवं योग्यता है। यह प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे या समस्या पर स्वतंत्रता एवं ईमानदारी से विचार करते हुए निर्णय लेने की इच्छा या फिर योग्यता। सरल शब्दों में बताना चाहूंगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो देश गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ गए थे, उन देशों के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया जा रहा था, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं था कि किसी वो किसी महाशक्ति का अनुसरण करें। उनके किन देशों के साथ उन्होंने अपने मित्रतापूर्ण संबंध रखने हैं, किन देशों के साथ उन्होंने तटस्थ रहना है, यह इन देशों का व्यक्तिगत विषय था। इनके ऊपर किसी भी प्रकार की महाशक्ति का दबाव नहीं था। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि गुट निरपेक्षता एक पुकार है। पुकार है, पुकार किस बात की? स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्णय लेने की पुकार, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की पुकार। ठीक है, गुट निरपेक्षता सैनिकवाद से दूर रहने की नीति है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व है, न केवल दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया था, बल्कि विभिन्न प्रकार के गुटों का निर्माण, विभिन्न प्रकार की संधि और समझौतों का निर्माण किया जा रहा था। विश्व में नाटो और सीटो जैसे संगठन बन चुके थे, और नाटो सीटो जैसे संगठन विरोधी देशों के ऊपर दबाव डाल रहे थे, उन्हें डरा धमका रहे थे। लेकिन गुट निरपेक्षता एक पुकार थी, और पुकार थी वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की। यह उदंड सैनिकवाद एवं सैद्धांतिक दबावों के विरुद्ध पुकार थी। यह लोगों की साझेदारी पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा की पुकार है। नेक्स्ट आता है शांति की नीति। देखिए, यदि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात गुट निरपेक्षता की शुरुआत ना होती, तो हम कह सकते हैं कि विश्व की शांति नष्ट हो चुकी होती, और हो सकता है विश्व तृतीय विश्व युद्ध का शिकार हो जाता। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति शांति की नीति है,
यह कोई पूजा की वस्तु नहीं, यह शांति के उद्देश्यों और संकल्पों की अभिव्यक्ति है और इसका उद्देश्य शांति की स्थापना है और इसकी संकल्पना शांति का समर्थन है। यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जो देश जुड़े हुए हैं वो शांति की नीति का अनुसरण करेंगे, उन टकरावों को टालने का प्रयास करेंगे जिससे युद्ध की संभावना बनती हो। तो हम कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो शांति के प्रतीक के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विश्व के, या हम कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश राष्ट्र यूरोपियन राष्ट्रों के अधीन थे। वे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप जब ये राष्ट्र एक एक कर स्वतंत्र होने लगे और इन देशों ने किसी गुट में शामिल ना होकर गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ने लगे, तो इन देशों ने सामूहिक रूप से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य विरोधी नीति का विरोध किया। यानी कि इन बातों का विरोध, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया, रंग भेद और आर्थिक शोषण का विरोध किया जाने लगा। तो गुट निरपेक्ष एक ऐसे प्रतीक के रूप में, एक ऐसे आंदोलन के रूप में कार्य करने लगा जिससे उन देशों को भी प्रेरणा मिलने लगी जो देश अभी भी इन यूरोपियन राष्ट्रों, या हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के शिकार थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुट निरपेक्षता एक आंदोलन है, यह एक गुट नहीं बल्कि एक आंदोलन है, यह आंदोलन सहयोग चाहता है टकराव नहीं, स्वावलंबन चाहता है निर्भरता नहीं। क्योंकि जब गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई तो महाशक्तियां इन्हें शक की नज़र से देखने लगी। जो सोवियत संघ है उन्हें इस बात का संदेह रहता था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का झुकाव अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका को इस बात का संदेह रहता था कि ये सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में हमारे नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यह गुट निरपेक्ष किसी भी गुट से जुड़ा हुआ नहीं है, यह टकराव नहीं चाहता, यह स्वावलंबन चाहता है, निर्भरता नहीं चाहता। और लास्ट आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हुआ, युद्ध को टालने के लिए हुआ, तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिद्वंद्वी के रूप में कार्य नहीं किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सहायक के रूप में कार्य किया है। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य भी विश्व में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। यह स्वतंत्रता, स्वाधीनता और शांति की पृथक नीति है जो संयुक्त राष्ट्र संघ को सही दिशा में रखना चाहती है। तो आज हमने अध्ययन किया है केवल गुट निरपेक्षता के अर्थ के बारे में कि गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे गुट निरपेक्षता की उपलब्धियों के बारे में और साथ ही वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। धन्यवाद।